बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपके अपने फैमिली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से बीफ सीजनिंग कबाब, नहायत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार। गरम गरम सर्व कीजिए तो आपको सर्दी की रातों में मज़ा आ जाएगा खाने में। 1 टीस्पून लिए मैंने सौंफ, 1/2 टीस्पून लिए मैंने बादियान के फूल, ये 20-25 हैं। थोड़ी सी जावित्री लिए, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 1 अदद तेज़पात लिया है, तेज़पात के नीचे हमारी छुपी हुई काली मिर्चें हैं ये भी 1/2 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून भुने हुए चने छिले हुए, 1/2 मैंने जायफल का पीस लिया, 1 बादियान का फूल, 500 ग्राम बारीक पिसा हुआ कीमा, 2 अदद डबल रोटी के स्लाइस, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अच्छी मीट साइज की प्याज जिसको हमने कैरेमल कर लिया है, ये हमारी ब्राउन प्याज है, 10 से 12 हम हरी मिर्चें लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लेंगे पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून लेंगे हम देगी मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे नमक, 1 टेबल स्पून लेंगे पिसा हुआ पपीता। पपीता आप बीफ में यूज़ करेंगे, चिकन में यूज़ नहीं करेंगे, मटन में यूज़ करेंगे। अब हमारे जितने भी ड्राई मसाले हैं ये मैं इसको डाल के पाउडर फॉर्म में बना रही हूँ। वैसे तो मैं कीमा पीस चुकी थी, अब उसमें थोड़ा सा कीमा लेकर जो हमने डबल रोटी के स्लाइस दिए थे उसके छोटे पीसेस में करके वापस कीमे के साथ हम पीस लेंगे ताकि कि कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कीमे में डबल रोटी के स्लाइस पीस लिए, अब जो मैंने ड्राई मसाला पीसा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर फॉर्म में। जो हमारी हरी मिर्चें थीं मैं उसको पीस रही हूँ, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी है। कैरेमल प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और जो हमारा पपीता है पिसा हुआ, मैं कच्चा पपीता कभी यूज़ नहीं करती, पक्का पपीता यूज़ करती हूँ, छिलकों समेत, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया, पिसी हुई मिर्चें ऐड करी, देगी लाल मिर्चें ऐड करी और इसको बहुत अच्छे से हाथों से मिलाऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता चमचे से मिलाना, मुझे ऐसा लगता है मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। हमारा मसाला बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। अगर ये ईद उल अज़ा होता है, बकरा ईद, तो जब गोश्त हमारा चिकना होता है तो आप फैट यूज़ कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून हम दही ऐड करेंगे, दही से कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। कोयला मैंने दहकाने रख दिया है, जैसे ही कोयला दहक जाएगा तो हम इसमें स्मोक। इस पोजीशन में मैंने अपने कीमे को टेस्ट किया, कच्चा कीमा था लेकिन थोड़ा